आए बदलाव के चलते इंदौर पहुंचने वाली रेलगाड़ियां भी कोहरे से प्रभावित हुई हैं। जानकारी के अनुसार करीब 5 से अधिक गाड़ियां इंदौर जंक्शन स्थित लगभग 5-5 घंटे लेट पहुंच रही हैं। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र जयंत ने बताया कि इंदौर की ओर से निकलने वाली ट्रेनें या इंदौर पहुंचने वाली ट्रेन करीब 5 से 5.5 घंटे विलंब से इंदौर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू तवी से चलने वाली साप्ताहिक गाड़ी 5 से करीब 5.5 घंटे लेट हो रही है। वहीं ग्वालियर से आने वाली भिंड एक्सप्रेस, नागपुर से आने वाली एक गाड़ी और जम्मू तक चलने वाली मालवा एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से कई घंटों लेट चल रही है। देखिएगा, जो उत्तर साइड में कोहरा है और कोहरे का एकदम कोहराम हुआ है, उसके कारण हमारी कुछ 3 गाड़ियां हैं जो मेन गाड़ियां लेट हो रही हैं। एक तो जो साप्ताहिक गाड़ी है जो जम्मू तवी से आती है, वो करीब 5.5 घंटा लेट आ रही है। एक ग्वालियर साइड से आती है भिंड एक्सप्रेस, वो करीब 7 घंटा 55 मिनट लेट आ रही है। और एक जो एक गाड़ी है जो नागपुर से आती है, वो भी करीब 5.5 घंटा लेट है। तो ये 3 गाड़ी ज़्यादा लेट हैं। इसके साथ में जो 3 गाड़ियाँ और हैं, जैसे जम्मू तवी है, मालवा एक्सप्रेस है, वो करीब 1 घंटा लेट आ रही है, 1.5 घंटा लेट आ रही है। ओवरनाइट है और बिलासपुर है, वो भी करीब 1 घंटा लेट आ रही है। तो कुल मिला के आज हमारी 5 गाड़ियाँ प्रभावित हुई हैं इस कोहरे की वजह से।